हो रही है और स्टाफ इसकी रकम घूसखोरी करके खा रहा है। मेडिकल कॉलेज में एक साल में 38 लाख रुपए खाने के नाम पर खर्च हो रहे हैं और धरातल पर किसी भी मरीज को खाना नहीं मिल रहा है। इस फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद पूरे मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है और अधिकारी महज जांच और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। नहीं देखिए, यहाँ पर एक डायटिशियन है और एक स्टूअर्ड है। मेडिकल कॉलेज में भोजन की व्यवस्था की बेसिकली जवाबदारी डायटिशियन की होती है और अब आपने मुझे संज्ञान में लाया है, मैं इसकी जांच कराऊंगा मुख्यमंत्री और इस पर जैसे भी होगी मैं कार्रवाई करूंगा। प्रभाव तो अभी जब से कोविड पेशेंट आ रहे हैं तब से प्रभाव दिया गया है, 15 to 20 डेज हो रहा है और ज्वाइन किए 6 मंथ हो चुका है। क्यों नहीं मिल पाया? अभी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा वो होता है कि कैसे आना है। फिलहाल अभी इतने पेशेंट बढ़ गए हैं तो प्रभार मिला है तो इसको अभी मैं देख रही हूँ प्रॉपर तरीके से कितना अच्छा कर सकती हूँ। अभी तो सब अच्छे ड्रेस अपने दिए हैं। काम अगर जायज हुआ है तो कार्रवाई की फिर कोई बात नहीं आएगी, लेकिन अगर नाजायज पेमेंट है किसी तरह से जितने मरीज नहीं है उससे ज्यादा का उन्होंने भुगतान निकाल लिया है तो जरूर जांच करके कार्रवाई करेंगे। हालांकि लिखित में मेरे पास अभी तक किसी ने शिकायत दी नहीं है, मौखिक ही बात आती रही है, पर कोई कार्रवाई ऐसी कोई शिकायत आती है तो जांच जरूर करेंगे।